हेलो गाइस, नमस्कार, हाय, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन टीवी। आज का टॉपिक बहुत सिंपल है, दैट इज फाइंड द की। ठीक है, सो एक की क्या है? गाड़ी खोलने के लिए, कुछ खोलने के लिए, मतलब कोई तिजोरी खोलने के? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। द थिंग इज आपका किस्मत खोलने के लिए। सो एक किस्मत आप कैसे खोल सकते हो? सो सिंपल इज दैट, इंसान हमेशा दुविधा में रहता है, हमेशा चक्रव्यूह में फंसा रहता है, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को लेके। सो इसका की यही है, इंसान का क्या प्रॉब्लम होता है पता है? वो अपना पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में इस तरह से घुस जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। इंसान को क्या चाहिए इंसान खुद नहीं समझ पाता है। इसको ठीक करना है तो पहले खुद को सही करना पड़ेगा। द की ऑफ सक्सेस इज खुद को चेंज करना। अभी कैसे हो सकता है? जैसे कि मान लीजिए जिंदगी में एक्चुअली हम लोग का मतलब जो जो इंसान होता है ना, जिसमें 99% इंसान क्या करते हैं पता है? अपनी ज़िंदगी के साथ समझौता कर लेता है, एडजस्टमेंट कर लेता है। मान लीजिए आज कोई किसी के साथ आपका रिश्ता हुआ, आप किसी को प्यार करते हो, ठीक है, वो आपको मिला नहीं, तो दूसरे जिन के साथ आप गए, ज़िंदगी चलो सो सो करके एडजस्ट कर लिया। प्यार नहीं है फिर भी एडजस्टमेंट है। आप बोलोगे एडजस्टमेंट में प्यार नहीं है, ज़रूर है, मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं है, बट फिर भी इंसान एडजस्ट कर लेता है। द फैक्ट इज़ दैट प्रोफेशनल लाइफ, मान लो किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को कुछ भी बनना है, किसी को सिंगर बनना है, किसी को डांसर बनना है, नहीं हो पाया, दूसरे कोई प्रोफेशन में चला गया और वहाँ में चलो कुछ ना कुछ करके ज़िंदगी बिता लिया, एडजस्टमेंट। सो इंसान पर्सनल लाइफ में भी एडजस्टमेंट करता है एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में भी। इसको नहीं करना अगर हो, जो ड्रीम है वही अगर फुलफिल करना हो और द की, एक की को अगर ढूंढना हो, द थिंग इज सक्सेस मिलने का की यही है, खुद को चेंज करो। आप ये बोल सकते हो इंसान खुद क्यों चेंज करो, मैं खुद को क्यों चेंज करूँ, मेरा कोई गलती नहीं, मुझे समाज ने खराब किया, मुझे सिचुएशन ने खराब किया। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, बट द थिंग इज समाज और सिचुएशन को भी आपको ही चेंज करना है। समाज को तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, सिचुएशन को आप चेंज कर सकते हो, आप वो भी अपना मतलब सराउंडिंग का सिचुएशन। अब कैसे चेंज करोगे आपने ऊपर है। देखो, आपका चलता हुआ जो रास्ता है ना जिंदगी का, जिंदगी के रास्ते की तरह है, इसमें चलता हुआ जगह है जो वो आपको सुधारना है। दूसरा कोई चेंज करके आपको आके नहीं देगा। ये आप एक्सपेक्टेशन मत रखो कि नहीं कोई चेंज कर, मतलब मेरा जो रास्ता है जिंदगी के चलने का बहुत स्विफ्ट कर देगा और मैं उसे आराम से चलते जाऊँगा, ये नहीं हो सकता है। खुद का ज़िंदगी का रास्ता खुद को ही सही करना है, उसमें बहुत ऊपर ढपर मतलब बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, उसको हैंडल करके उसके बाद ही आगे जाना है, सर्वाइव करना है। बट द थिंग इज प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक चीज़ होता है कि देखो, मैं एक थोड़ा सा सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। किसी को आप प्यार करते हो, ठीक है, उसके साथ एडजस्ट नहीं हुआ तो दूसरे का, या फिर जो चला गया, तो देखो चला गया, इंसान हमेशा सोचता है कि उसका गलती है, ये वो सो, मेरा कौन सा गलती था। द थिंग इज डेफिनेटली कोई ना कोई गलती था, फिर क्यों जाया गया होगा? कोई अगर एक दिन आपके साथ रहा तो दूसरा दिन ज़रूर रहा करेगा। अगर रहेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सॉरी रहेगा या नहीं रहेगा, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड, आपका एक्सप्रेशन, कोई ना कोई बोला हुआ बात, सोचो सोचो ज़रूर कुछ ना कुछ गलती हुआ होगा, उसी लिए जीत गया होगा। तो ये चीज़ को चेंज करो। देखो खुद को सुधारना है तभी आप मतलब, देखो अगर आप खुद का सुधार लोगे तो क्या होगा, आपका जो इंसान आपके साथ चले जाने का कोशिश करेगा वो आपके साथ रह जाएगा। सो यू आर द सक्सेस इन योर पर्सनल रिलेशनशिप एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या होता है, आप जो भी कर रहे हो उसमें डेडिकेशन चाहिए, उसमें सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए, दोनों में ही, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में। वो अगर कर सकते हो खुद को, बहुत जन बोलेगा सुधारने के लिए, अगर सुधार थोड़ा सकते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट अचीवमेंट फ्रॉम दियर, डोंट वरी अबाउट दैट, यू विल बी सक्सेस इन दियर। बट द थिंग इज, अगर आप चाहो नहीं मैं खुद को नहीं बदलूंगा, ठीक है मैं क्यों बदलूँ, इस तरह के एटीट्यूड रखोगे तो बॉस यू हैव टू गो ऑन एंड यू हैव टू मूव ऑन इन दिस एंड यू हैव टू एडजस्ट इन योर लाइफ। सो आप सोचो, आप एडजस्टमेंट के ऊपर जाओगे खुद को बिना बदले हुए, या फिर आप खुद को थोड़ा बदल के सिचुएशन को और सभी को खुद के साथ लाओगे। सिचुएशन और सभी को खुद को साथ लाना ही बहुत बड़ा बात है, ये आपको ही करना है। देखो यार, जो मुझे चाहिए फिर जो आपको चाहिए वो हम अगर चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में किसी को या फिर प्रोफेशन किसी को, तो खुद को थोड़ा बदलना पड़ेगा, बहुत सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाद में अगर कुछ होगा नहीं होगा दैट इज़ नादर इशू, मगर आप खुद तो ये नहीं सोचोगे काश ये मैं कर लेता, एक काश का जगह मत रखने देना, ठीक है। सो द की मतलब, तो थिंग इज आज का जो टॉपिक था वो है कि एक की है खुद को बदलना, अपना किस्मत को बदलना है, किस्मत का की यही है खुद को बदलना। देखो किस्मत नाम का कोई मैं चीज़ नहीं मानता, मैं ये चीज़ जानता हूँ आप अगर बदलोगे आपके साथ साथ सिचुएशन भी बदल देगा, डेफिनेटली बदल देगा। पॉजिटिव वाइब रखोगे पॉजिटिव वाइब्रेशन ही आपसे निकलेगा, नेगेटिव वाइब्रेशन रखोगे तो नेगेटिव वाइब्रेशन रखेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का वाइब्रेशन खुद के अंदर लगोगे, पॉजिटिविटी या फिर नेगेटिविटी। थिंक अबाउट दैट गाइज एंड द गाइज द थिंग इज, जरूर बोलेगा आज का वीडियो कैसा है। अगर कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस करोगे, थोड़ा बदलोगे तो डेफिनेटली आपके साथ सब सही होगा, ट्रस्ट मी गाइज, सब कुछ सही होगा। गाइज वीडियो अच्छा लगे एक लाइक मार दीजिएगा, बुरा लगे एक डिसलाइक, और आपके राइट साइड में जो सब्सक्राइब बटन है जरूर दबाइएगा फॉर मोर एंड मेयर मोर इन्फॉर्मेशन। सो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद ही उसके बगल में बेल आइकन आएगा, सो बेल आइकन क्लिक कीजिए, आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द इन्फॉर्मेशन, थैंक यू।